किसी ने सच ही कहा है, हिंदुस्तानियों का दिल बहुत बड़ा है और वो हर जगह अपने घर जैसा सुलूक करते हैं। शहर की खाली दीवारों को वो अपना वॉशरूम बना लेते हैं और सड़क पर चलते चलते मेहमान नवाजी के लिए अगर उन्हें कोई पेपर प्लेट, टिश्यूज, ग्लासेस परोसते तो उन्हें पता ही नहीं लगता। वॉश बेसिन तो पूरी दुनिया है, जहाँ मर्जी थूको जहाँ मर्जी मुंह धो। और हमारे बाजार और मेले तो क्या बताओ, चूड़ियों से लेके पानी पूरी तक, रंगरेजों से लेके कलाकारों तक, सब कुछ रंग बिरंगा। पर उस मेले के बाद क्या, इसीलिए तो हम अपने घरों से ज्यादा बाहर कंफर्टेबल फील करते हैं। तो फिर हम अपने घरों में रहते ही क्यों हैं? आदत है रोज रात को घर का कचरा बाहर डाल के आके सोने की, क्योंकि सुबह ऑफिस की जल्दबाजी के कारण किसके पास टाइम है यार। अपनी लोकेलिटी का डस्टबिन वैसे इतनी दूर है नहीं, अपन को आदत भी तो है शॉर्टकट आजमाने की। तो एक दिन मुझे एक इंटरेस्टिंग सा ख्याल आया, कौन जाए इतना दूर, अपने शर्मा जी के घर के साइड में कूड़ा कचरा पड़ा रहता है। तो एक दिन काम करूंगा, कचरा लूंगा, वहां जाऊंगा, फेंकूंगा और चलता बनूंगा। लेकिन वो कोना तो साफ था, जैसे ही कचरा लेके वहां डालने लगा एकदम से ऐसा लगा कि ऊपर से शर्मा आंटी देख रही हैं। पछता भगाता हुआ दूसरी जगह पहुंचा, जैसे ही दूसरी जगह पहुंचा वहां देखा कि कुछ स्वच्छ भारत अभियान वाले लोग हाथ में झाड़ू लिए साफ सफाई कर रहे हैं। अब डालू तो डालू कहां, अब सोचा इतनी दूर आ गया हूं भाई, अब तो कूड़ेदान में डाल के ही जाऊंगा। डालते डालते एक ख्याल आया कि शर्मा आंटी तो जल्दी सो जाती हैं और कौन इतनी रात गए साफ सफाई करता फिरता है। फिर जो ख्याल आया वो यूं था कि कुछ गलत करने जाओ ना यार तो अपना दिमाग डर जाता है। फोटोग्राफी असाइनमेंट का न्याय थी बचपन, एंड ऑल आई कुड रिमेंबर फ्रॉम इट वाज मेरा वो पुराना घर जिनके बीच से छोटी छोटी गलियां निकलती। उस टाइम पर एक बहुत बड़ा प्लेग्राउंड हुआ करता था, पर जब रिसेंटली मैंने उसे विजिट किया उसकी हालत बहुत खराब, इतना सारा कचरा, आई मीन इट वॉज ओवरफ्लोइंग। डिफरेंस नहीं पता चल रहा था कि डस्टबिन में कचरा या कचरे में डस्टबिन। असाइनमेंट के सारे आइडिया फ्लॉप हो गए, और 5 मिनट की फ्रस्ट्रेशन के बाद ये रियलाइज किया कि इंस्पिरेशन हमें हमेशा थाली में परोसी हुई तो नहीं मिलती ना, कभी कभार खुद ढूंढनी पड़ती है, फिर चाहे कचरे में ही सही।